सूडान की सेना ने 3 दिनों के संघर्ष विराम को स्वीकार करने की घोषणा की है। सूडान की सेना की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि देश की सेना ने मंगलवार की सुबह से 72 घंटे के संघर्ष विराम को स्वीकार किया है। अल जजीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल सूडान में संघर्ष विराम पक्षों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। सूडान की सेना का कहना है कि इस दौरान सामने वाले पक्ष को पूरी तरह से युद्ध विराम का सम्मान करना होगा। इससे पहले भी ईद उल फित्र के उपलब्ध में बुधवार को भी सूडान की सेना और उसके साथ संघर्ष कर रहे गुट के बीच संघर्ष विराम हुआ था। यह युद्ध विराम अधिक समय तक नहीं चल पाया क्योंकि थोड़े से अंतराल के बाद दोनों पक्षों की ओर से कार्यवाहियां आरंभ हो गईं। सूडान में जारी हिंसा का सबसे अधिक नुकसान वहां के आम लोगों को हो रहा है। झड़पों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई है। याद रहे कि सूडान में सत्ता को लेकर झड़पों का सिलसिला लगातार जारी है। वहां के स्वास्थ्य सूत्रों के अनुसार कई दिनों से जारी इन झड़पों में अब तक कम से कम 427 आम लोग मारे जा चुके हैं। इस दौरान घायल हो वालों की संख्या 1700 का आंकड़ा पार कर चुकी है।